बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल किसान का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमा पंचायत के बबुड़ बन्नी गांव की है। बताया जाता है कि किसान राजू सिंह सोमवार को अहले सुबह घर से उठकर गंगा स्नान करने जा रहा था कि तभी घर से कुछ दूर पर ही अपराधियों ने राजू सिंह के सर में गोली मारकर फरार हो गए। स्थानीय लोग फायरिंग की आवाज पर सड़क पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल राजू सिंह को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गोली राजू सिंह के कनपट्टी के पास लगी है, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मटिहानी थाना पुलिस को भी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि राजू सिंह को गोली किसने और क्यों मारी है। परिजनों ने घायल के होश में आने के बाद ही घटना में शामिल अपराधियों की पहचान या कारणों के बारे में बोलने की बात कह रहे हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कहा कि गंगा स्नान करने के लिए घर से निकले थे और रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। सीमाहा मटहानी थाना क्षेत्र में बालू कारोबारी सह किसान को गोली मारने के मामले में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घायल के चचेरे भाई ने रुपए के लेन देन में गोली मारकर घायल किया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 4:30 बजे मेरे भाई उठा और उठ कर बोला कि मोर मैदान होकर मैं गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। उसी वक्त गंगा स्नान करने के क्रम में घर से आधा किलोमीटर दूरी पर गया। उसके बाद सब अपराधी लोग घर लगे, वही देखा है, सब लोग देखा है और लोग देखा है। गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे बहुत लोग, होश आने के बाद सब बताए। आज अहले सुबह में करीब 5 बजे के आसपास हम लोगों को फोन आया, जैसे जैसे बोगबन्ना टोला जो सीमा पंचायत अंतर्गत मटिहानी थाना अंतर्गत सीमा पंचायत है, वहाँ पर गांव में ही अपराधी तत्व कुछ लोग मिल करके इसको गोली मार दिए थे। वहाँ से फ़ोन सब लोगों को किया गया तो हम लोग सोए हुए थे, गांव में ही थे, क्योंकि घटना वहाँ मर्रा टोल भोगवर्णा में हुआ था, वार्ड नंबर 5 और 6 के इर्द गिर्द। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, यहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई, अशोक बाबू आए, अशोक बाबू आकर के देखे सर में गोली लगी है, स्थिति तो देख ही रहे हैं आप, आपके सामने में अभी कुछ बोल भी नहीं रहा है, स्थिति हालत है नाजुक। अब सर में गोली लगी है कनपट्टी में और अभी एक्सरे होगा। यहाँ लगता है 5 बजे के लगभग यहाँ ये लोग पहुँचे हैं, हम यहाँ 5:30 बजे यहाँ तो वही जब होश आएगा तो बताएगा। वहाँ गिरा हुआ था लोगों ने इसको उठा करके वहाँ मोटरसाइकिल से यहाँ लाए और यहाँ एडमिट कराया, हम तो बाद में आए यहाँ। आज सुबह सूचना मिली थी कि मटियानी में एक व्यक्ति को गोली मार दी, उसको इलाज के लिए ले जाया गया है, इलाज उसका हो रहा है। इसमें जांच की गई तो पता चला है कि इसी का जो पड़ोसी है अमित, ये इसका चचेरा भाई है, इसके साथ में जो जिसको गोली लगी है उसका विवाद चल रहा था और उसी चक्कर में इसने गोली मारी है। जिसने गोली मारी है उसकी पहचान हो गई है, एक अमित है और एक का नाम अवधेश है, ये दोनों ही उसमें रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं, गोतिया में आते हैं। और मटियानी थाने ने छापेमारी स्टार्ट कर दी गई है और बहुत जल्दी दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसलिए गोली मारी गई थी, मैंने आपको अभी बताया कि पैसों का विवाद का लेन देन था, जो जिसको गोली लगी है उसका पैसा बकाया था अमित के ऊपर, या अमित से पैसा मांग रहा था, वो पैसा देना नहीं चाहता था, ये बात इसमें अभी तक की जाँच में स्पष्ट हो गई है। और मटियानी थाना लगातार छापेमारी कर रही है, शीघ्र इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कहा जा कि बालू कारोबार को लेकर के विवाद चल रहा था, ऐसी अभी सूचना नहीं है, ये तो अभी जाँच हो रही है, उसमें पता चलेगा कि बाकी ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं।